हेलो, आज हम इस लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास टर्म है। जितने आप पेपर उठाकर देखोगे, हर एक के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन आपका 100% आता है हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है? चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट से हो, चाहे वो आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट से आपके पास हो, ठीक है? यहाँ से इवन आपके पास एक मेन ग्रुप से पूछता है, एक आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट से हाइब्रिडाइजेशन को निकालना पूछता है, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन से आपके पास मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ बनते ही बनते हैं, ठीक है? आज का अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट का आपको दे दिया तो, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है वो आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के रिगार्डिंग आपके पास है, ठीक है? तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट ऑर्बिटल्स टू मेक देम आइडेंटिकल इन शेप, एनर्जी एंड द एंगल्स, ठीक है? देखो, सबसे मेन आपके पास क्या है कि ये जो क्राइटेरिया आप रखते हो, ये क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आपके पास है, ठीक है? ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना कह सकते हो, एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना आपके पास है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसको आपने प्रूव नहीं किया। इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। इसको आपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया है, सिर्फ एक इमेजिनेशन है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फॉर एक तरह से फिनोमिना आपके पास ये है, ठीक है? उसके बाद देखो, सेकंड क्या कहता है कि यहाँ पर जो न्यूली जनरेट फॉर ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है? जो न्यूली जनरेट ऑर्बिटल आपके पास होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे अगला पॉइंट आपके पास क्या कहता है, जितने भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के इक्वल होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा आपके पास, पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास होंगे वो आपकी हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है वो दोनों की वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, सेम होगी, ठीक है? मान लिया आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कई तरह की होती है, जैसे आपने बोला sp है, एक s किया आपके पास, दो मैंने p आपके पास ऑर्बिटल लिए, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है? एक मैंने s का ऑर्बिटल आपके पास लिया, एक मैंने क्या ले लिया, p के 3 ऑर्बिटल आपके पास ले लिए। मान लिया एक आपने क्या ले लिया, यहाँ पर s का ऑर्बिटल ले लिया, 3 आपने p के ऑर्बिटल ले लिए, साथ में एक d का ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है? तो अलग अलग ऑर्बिटल्स को हमने लेकर क्या किया है, मिक्स ही किया है, ठीक है? अब देखो ये क्या कहता है, अगर मैंने मान लिया sp हाइब्रिडाइजेशन है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, 2 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 ही होंगे। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उतने ही आपके पास ऑर्बिटल इस पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है? उसी के कंसेप्ट से आप क्या निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो कि किन किन ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है आपका इस कंपाउंड के अंदर, मेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है? ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखो आगे आपको क्या करना होता है, एक आपको यहाँ से एंगल निकालना होता है, ठीक है? एंगल के अंदर आप क्या कहते हो कि मान लिया आपके पास क्या है, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास है, ठीक है? एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इधर आपके पास कोई सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में क्या एंगल आपके पास होगा, कितना एंगल आपके पास होता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। हम कहते हैं मान लिया आपके पास एंगल क्या है, थीटा है, तो देखो हम इसको थीटा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोस थीटा इक्वल टू पी माइनस वन बाय पी इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन। इस फॉर्मूले से हम पर्टिकुलर किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये पी क्या है, ये एस क्या है, ठीक
ठीक है, ये आपको क्या बताता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर बताता है। अगर एस पूछा तो हम बताएंगे कि एस का कंट्रीब्यूशन कितना है आपके पास, ठीक है। अगर मैंने बोला कि पी आपके पास कोई है, आपके पास ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पी का कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना है वो हमें बताना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लिया मैंने बोला आपको कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपके पास एस पी हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो, एक ऑर्बिटल किसका लिया, एस का लिया, एक ऑर्बिटल आपने किसका लिया, पी ऑर्बिटल का लिया, तो दोनों ने 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। इसका मतलब एस आपके पास कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 50% कर रहा है, पी कितना कर रहा है आपके पास, 50% कर रहा है। बात समझ में आई? सिर्फ एस और पी किसको बताता है, कॉन्ट्रीब्यूशन को बताता है कि 100 में से आपके पास 50 कंट्रीब्यूशन एस का है और आपके पास 50 किसका है, पी का आपके पास है। मान लिया अगर मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कहने का मतलब है एक आपके पास एस करेगा, दो क्या करेंगे, पी के ऑर्बिटल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको किस कैटेगरी के अंदर डिवाइड करोगे, आप कहोगे कि 33.3 आपके पास कितना है, एस का कंट्रीब्यूशन है, और जो आपके पास 66.6 आपके पास बनेगा वो किसका बनेगा, पी का रहेगा। कैसे निकालते हो, तीन ऑर्बिटल हैं, 100 को क्या करो, तीन से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 33.3 आपके पास बनेगा। इसका मतलब 33.3 आपके पास एस ऑर्बिटल का है, 33.3 आपका इस पी ऑर्बिटल का है, दूसरे पी का भी कितना है, 33.3 आपके पास है। तो टोटल पी का कंट्रीब्यूशन कितना रहा आपके पास, 66.6 रहा, और आपके पास एस का कितना रहा, 33.3 रहा। सेम आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, sp3 अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है तो आपको बताना होता है कि कंट्रीब्यूशन कितना है। तो देखो, आपके पास तीन ऑर्बिटल आपके पास किसके हैं, पी के हैं, एस का कितना है, सिंगल आपके पास है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, चार आपके पास ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। अब देखो, टोटल अगर 100 है तो डिवाइड 4 से करोगे तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, हर ऑर्बिटल का 25% आपके पास आएगा, ठीक है। तो देखो, एक आपके पास एस है और तीन आपके पास क्या है, पी है, तो इसका भी 25, इनका भी क्या है, 25% आपके पास है। तो देखो, टोटल पी का कितना बना, 25 प्लस 25 प्लस में 25 कितना बना, टोटल 75, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि टोटल आपके पास एस करेक्टर कितना है, तो आप कितना बताओगे, 25, और टोटल पी करेक्टर बताया पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 75% बताओगे। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास कुछ अजम्पशंस हैं, क्राइटेरिया है, पोस्टुलेट कह सकते हो, किसी क्या भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें आपकी यूज़ की जाती हैं। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला आपको क्या कहता है कि एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला होता, फिनोमिना होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं कर सकते कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूली फॉर्म आपके पास ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। जितना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वही आपके पास कितने क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास होते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हो, कोस थीटा इक्वल टू पी माइनस वन बाई पी इक्वल टू एस बाय एस माइनस वन से निकालते हो। एस और पी क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन को या फिर आयनिक करेक्टर को बताता है कि एस का करेक्टर कितना है, पी का टोटल करेक्टर कितना है, ठीक है। जैसे एस और पी है, दोनों आपके पास सिर्फ दो ऑर्बिटल हैं, तो अगर टोटल 100 होगा तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, कितना कंट्रीब्यूशन बनेगा, 50 पर ईच, मतलब आप ये कह सकते हो ईच ऑर्बिटल के हिसाब से आपके पास बनेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, यही आपके पास जाना है। देखो, अगला आपके पास क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट आपका कहता है कि जो हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। हाइब्रिड रीअरेंज देमसेल्व्स इस तरह से करते हैं, इन सच अ वे सो दैट देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है, मिनिमम रिपल्शन अमंग देम,
ठीक है, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये क्या कहता है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। रिपल्शन कम मतलब मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी उनके बीच में होनी चाहिए, वही हाइब्रिडाइजेशन आपके पास होगी। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, आपके पास फिक्स ज्योमेट्री होनी चाहिए आपके पास, आप ये भी कह सकते हो इस पॉइंट से। ठीक है, तो क्या कहता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम होनी चाहिए और स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ एक पॉइंट, अगला भी पॉइंट है जो आपके पास बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कहता है कि जो भी हाइब्रिड होते हैं वो हमेशा आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, कभी भी आपके पास पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, अगर कोई पाई बॉन्ड का अगर कंट्रीब्यूशन दिखाता है तो आप उसको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कभी भी काउंट नहीं करोगे। हाइब्रिडाइजेशन में किसको काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड को आपको काउंट करना है। ठीक है, अगला देखो पॉइंट क्या कहता है कि जो भी आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो आपने अभी अभी देखा था इनकी क्या है, फिक्स ज्योमेट्री आपके पास है, तो आप क्या कह सकते हो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल आपके पास होते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल होते हैं और एक तरह से क्या है, आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, बड़ी अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, एक आपके पास क्या है, पी आपके पास है, क्या कहते हो, डंबल शेप का है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, इस तरह से आपके पास क्या होती है, ओवरलैपिंग उनके बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच में हमेशा क्या रहती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग आपके पास यहाँ पर रहती है सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही आपके पास कुछ खास मेन बातें हैं जो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में ध्यान में रखनी है। अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से ये देखते हैं कि आपके पास वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले इस ट्रिक को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेरिक नंबर क्या होता है। ठीक है, स्टेरिक नंबर आपके पास होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के इक्वल होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेरिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके पास। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर, जैसे अगर मैंने कहा कि अगर आपके पास स्टेरिक नंबर दो हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या कहोगे आप कि एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, एक एस ने किया, एक आपका किसने किया, पी ने, आपस में कंबाइन किया, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास हैं। ठीक है, अब देखो अगर तीन होगा तो आप क्या कहोगे, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा, अगर फोर होगा तो आप कहोगे एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आप कहोगे कि जो स्टेरिक नंबर है वो आपके पास फाइव आया तो आप कहोगे एस पी थ्री डी आपके पास है। ध्यान से देखो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, सिंगल ऑर्बिटल होता है एस। ठीक है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड आपके पास। अब देखो अगला, पी के तीनों ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया आपके पास, तीन ऑर्बिटल हैं वही आपके इन्वॉल्व हो गए, अगला ऑर्बिटल किसका आएगा, डी का आएगा, तो आपके पास अगर स्टेरिक नंबर फाइव है तो आप क्या कहोगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, एस पी थ्री डी आपके पास है। ठीक है, अगर मैंने कहा सिक्स है तो आप क्या कहोगे, एस पी थ्री डी टू आपके पास है, अगर सेवन कहा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एस पी थ्री डी थ्री हो जाएगा, एट कहा तो एस पी थ्री डी फोर आपके पास होगा। इस तरह से आपको क्या निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना, स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अगर स्टेरिक नंबर दो होगा हाइब्रिडाइजेशन एस पी होगा, आपके पास स्टेरिक नंबर तीन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास एस पी टू होगा, अगर चार होगा तो एस पी थ्री, पाँच होगा तो एस पी थ्री डी, छः होगा तो एस पी थ्री डी टू आपके पास, सात होगा तो आप आगे बढ़ते हुए चले जाओगे।
ठीक है। अब देखो स्टेरिक नंबर से तो पता चल गया, अब लोन पेयर में एक बार मैंने पहले भी बताया हुआ है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, दोबारा से रिमाइंड कराती हूँ आपको, ठीक है। देखो लोन पेयर निकालने से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के भी कैसे निकालोगे, अगर हाइड्रोजन लिथियम के नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं, इधर बेरिलियम के नीचे जितने हैं, ठीक है, इधर आप करोगे बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आपके पास, ठीक है। देखो पहले इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, 1 आपके पास। इस सेकंड आपके पास ग्रुप है उसके लिए आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बोरोन के लिए 3 होंगे, कार्बन के लिए 4 होंगे, या कार्बन के नीचे जैसे सिलिकन है आपके पास पूरा पीरियड है, ठीक है, उन सब के जैसे एल्यूमिनियम है बोरोन के नीचे, इन सब के लिए क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन के लिए 4, आपके पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब के लिए क्या होगा, 5 होगा, ऑक्सीजन के लिए 6 होगा, सल्फर के लिए भी क्या होगा, 6 होगा, फ्लोरीन के लिए 7 होगा, जितने भी हैलोजन हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन सब के लिए क्या होगा, 7 होगा, नियोन के लिए कितना होगा, 8 होगा, नियोन के नीचे जितनी नोबल गैसेस हैं सब के लिए 8 होगा, सिर्फ हीलियम ऐसा है जिसके लिए आपके पास कितना होगा, सिर्फ आपके पास 2 होगा। बात समझ आ रही है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होता है, एक हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का 1, सेकेंड ग्रुप का 2, थर्ड ग्रुप का आपके पास 3, फोर्थ ग्रुप का 4, फिफ्थ ग्रुप का 5, सिक्स ग्रुप का 6, सॉरी आपके पास 13th ग्रुप का 3 आपके पास हो जाएगा, कार्बन फैमिली के लिए 4, नाइट्रोजन फैमिली के लिए 5, ऑक्सीजन फैमिली के लिए 6, हेलोजन फैमिली के लिए 7, और नोबल गैसेस के लिए क्या लगाओगे, एक्सेप्ट हीलियम आपके पास 8 रहेगा। ये आपको तो याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है, इजी है, याद हो गया होगा आई थिंक सबको, ठीक है। जो भी काम करा रही हूँ साथ की साथ कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है और मेरे साथ साथ आपको सबको कैलकुलेट भी करना है। अगर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया आपको बहुत इजी लगने वाली है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बॉन्ड पेयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम से जो भी चीज़ें आपकी अटैच होती है, जैसे मैंने कहा Ab2 आपके पास, ए क्या है आपके पास सेंट्रल एटम है, तो आपसे कितने बी अटैच हैं, इससे 2 अटैच हैं, तो आप क्या कहोगे, 2 बॉन्ड पेयर हैं। अगर मैंने कहा Ab3 आपके पास है, ए क्या है सेंट्रल एटम आपके पास है, इससे 3 बी अटैच हैं, तो आप क्या कहोगे कि 2-3 बॉन्ड पेयर आपके पास है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अगर आपको लोन पेयर निकालना है, लोन पेयर कैसे निकालते हो, आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस में जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पर, अपोन में क्या करोगे, 2, तो उसको कैसे निकालोगे, लोन पेयर को निकालोगे। दोबारा देखो लोन पेयर कैसे निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास, अपोन में 2 कर दोगे तो लोन पेयर निकल जाएगा। अभी प्रैक्टिस करते हैं आगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अगला आगे देखते हैं, अब सीधा प्रैक्टिस पे आते हैं कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी है, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, कार्बन फैमिली के लिए 3 होता है, 4 होता है, बोरोन फैमिली के लिए 3, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए 6, हेलोजन फैमिली के लिए आपके पास 7, नियोन से नीचे आपके पास कितना होता है, 8 आपके पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैंने पहली हाइब्रिडाइजेशन के लिए बोला कि SO2 के अंदर निकालना है, ठीक है, एस क्या है आपके पास सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम देखो कितनों से अटैच है, आपके पास 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो आप क्या कहोगे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास, 2 है, ठीक है। सेंट्रल एटम 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए आपके पास, 2 हो गए, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है, सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे, तो सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, तो आप क्या कहोगे सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 6 हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में क्या करते हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अपोन में क्या करते हो, 2, तो देखो आपके पास लोन पेयर निकल जाते हैं, 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने अटैच हैं, ऑक्सीजन अटैच है, और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड आपके पास बनाएंगे, ठीक है। तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 अपोन में 2, तो कितना होगा, देखो 2/2, तो लोन पेयर कितना आया आपके पास, 1 आया,
ठीक है, देखो आपके पास बॉन्ड पेयर कितना आया, दो आया, लोन पेयर कितना आया, वन आपके पास आया। तो स्टेरिक नंबर क्या कहता था, बॉन्ड पेयर प्लस में आपके पास क्या था, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर दो है, लोन पेयर एक है, टोटल कितना हो गया, तीन आपके पास। ठीक है, अगर तीन आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती। तीन है देखो, एक s का दो p के, टोटल कितना हो गया आपके पास, तीन हो गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन SO2 की क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, इजी है, अभी आगे प्रैक्टिस करते हैं, आपको और इजी लगेगा। सेकंड देखो, अगर मैंने कहा कि अमोनिया के लिए आपको निकालना है, ठीक है, सबसे पहले लिखो बॉन्ड पेयर। देखो नाइट्रोजन के साथ कितने अटैच हैं, तीन आपके पास हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, तीन हाइड्रोजन अटैच हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है, लोन पेयर कैसे निकालते हो आप, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, पांच आपके पास। ठीक है, कितने से अटैच है, हाइड्रोजन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, तो तीन हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास अपॉन में क्या करोगे, टू करोगे, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2/2 कितना बना, वन आपके पास। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर कितना बना, बॉन्ड पेयर प्लस में आपके पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है, तीन प्लस वन आपके पास, टोटल चार बना। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आपके पास आ गई। एक एस का तीन पी के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई अमोनिया के लिए। ठीक है, आगे देखो आपके पास क्या कहता है, देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आपके पास है, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, आपके पास PH3 है। देखो जो फॉस्फोरस है वो नाइट्रोजन फैमिली से है, तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास, फाइव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो फॉस्फोरस है, तीन हाइड्रोजन से अटैच है तो बॉन्ड पेयर तीन हो गए। ठीक है, लोन पेयर कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, पाँच हैं। ठीक है, माइनस में हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तीन बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तीन आपके पास। अपोन में क्या होता है, टू, तो 5 - 3/2 मतलब 2/2 कितना हो गया, वन। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर क्या आएगा, बॉन्ड पेयर प्लस में आपके पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना आया है, तीन आपके पास, लोन पेयर कितना आया है, वन आपके पास, टोटल कितना बन गया, फोर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपके पास, sp3 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, सभी आपको ऐसे ही निकालने हैं, तो फटाफट से और भी आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर मैंने CH3 पॉजिटिव दे दिया, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव का क्या फंडा है। ठीक है, अब देखो कार्बन, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टोटल चार होते हैं। ठीक है, पहले देखो कार्बन तीन हाइड्रोजन से अटैच है, तो मैं कह सकती हूँ कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन आपके पास हैं। ठीक है, लोन पेयर देखो कैसा निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार आपके पास हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ज कितना है, प्लस वन है। प्लस वन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्लस चार्ज किसी के ऊपर आता है मतलब इलेक्ट्रॉन इतने आपके रिलीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो प्लस वन का मतलब है फोर में से एक इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना। ठीक है, अब देखो आपके पास आगे क्या आता है, माइनस में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तीन हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, तीन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कितना हो जाएगा, -3। अपोन में क्या होता है, टू। ठीक है, देखो फोर में से एक गया, कितना होगा, 3 - 3/2, इसका मतलब लोन पेयर कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस में आपके पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना है, थ्री, लोन पेयर कितना है, जीरो, टोटल कितना रह गया, थ्री आपके पास। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, अगला देखो फिफ्थ क्या कहता है, अगर मैंने कहा sbh3 आपके पास है, ठीक है, एंटीमनी है, किसकी फैमिली का होता है, नाइट्रोजन की फैमिली का होता है, इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पांच, हाइड्रोजन ने कितने बनाए, तीन बॉन्ड, अपॉन में क्या करोगे, टू, कितना होगा, 2/2, इसका मतलब एक लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर देखो टोटल बॉन्ड हाइड्रोजन ने कितने बनाए हैं, एंटीमनी के साथ तीन हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, तीन। तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाता है, बॉन्ड पेयर प्लस में आपके पास लोन पेयर, कितना बनेगा आपके पास, लोन बॉन्ड पेयर तीन है, लोन पेयर एक है, टोटल कितना हो गया, चार, इसका मतलब क्या बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अगले आगे देखो क्या है,
सिक्स्थ आपके पास है Cl(O)2 नेगेटिव, अगर मैंने दिया इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। देखो ओवरऑल चार्ज क्या है, -1 है। -1 का क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना, तो हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया। देखो -1 चार्ज था, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा है, तो मैंने क्या कर दिया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक एडिशन करा दिया, +1 हो गया, ठीक है। माइनस में देखो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, आपके पास ऑक्सीजन बॉन्ड है, 2 बॉन्ड बनाएगा आपके पास, और एक ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड अटैच होता है, दूसरा भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 आपके पास अटैच होंगे, ठीक है। इसका मतलब माइनस में क्या करोगे, 4 करोगे, अपॉन में क्या आता है, 2 आपके पास, ठीक है। तो 7 + 1 कितना हो गया, 8 आपके पास, 8 - 4/2 कितना हो जाएगा, 4/2, ठीक है। कितना बनेगा आपके पास, 2। इसका मतलब लोन पेयर कितने आ गए, 2। अब देखो क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कितने अटैच हैं, 2 अटैच हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 आपके पास। तो स्टेरिक नंबर देखो क्या होगा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, 2, बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 2, टोटल कितना हो गया, 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपके पास, sp3 आपके पास हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगला देखो आपके पास, अगर मैंने दिया CO3 2 नेगेटिव आपके पास, ठीक है। तो देखो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, लोन पेयर निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। -2 चार्ज का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड कराना, ठीक है। अब देखो आपके पास ऑक्सीजन है, 3 अटैच हैं, और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड आपके पास बनाता है, तो 3 अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, अपॉन में क्या करोगे, 2 करोगे, तो 4 × 2 = 6, 6 - 6/2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, कार्बन के साथ कितने अटैच हैं, ऑक्सीजन 3 अटैच हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो आप स्टेरिक नंबर क्या करोगे, लोन पेयर प्लस में आपके पास बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना है, 0, बॉन्ड पेयर 3, तो ओवरऑल कितना बना, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ईजी है, आई थिंक मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला देखो आपके पास क्या है, 8th आपके पास है CO2, ठीक है। देखो कार्बन का कितना है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस में ऑक्सीजन क्या है, 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 4 - -4/2 कितना हो जाएगा, 0, लोन पेयर आ गए। बॉन्ड पेयर क्या है, कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 2 एटम अटैच हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया आपके पास, 2, ठीक है। तो आप स्टेरिक नंबर निकालोगे, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को ऐड करोगे, तो कितना बनेगा, 2 + 0 कितना होगा, 2। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, CO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अगला देखो आपके पास 9th है, अगर मैंने बोला CO के अंदर बताओ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, ठीक है। CO इसका मतलब कैसा होता है, CO ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होता है ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे ही निकालते आ रहे हो ना, तो सिंपल है। आगे देखो N2O अगर मैंने दे दिया आपके पास, N2O का फॉर्मूला ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर अटैच होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, इधर आपके पास क्या है, दूसरी आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी sp होगा, ये भी sp होगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या बनेगा, sp3 आपके पास बनेगा, ठीक है। अगला देखो आपके पास, अगर मैंने आपके पास SiF4 बना दिया, SiF4 वैसे ही निकालो, कार्बन के नीचे सिलिकन आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 आपके पास, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, बॉन्ड कितने बना रहा है, 4 फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो 4 - 4/2 इसका मतलब 0, लोन पेयर बना, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 फ्लोरीन अटैच हैं, तो 4 होंगे, तो टोटल कितना बनेगा, 4 + 0 कितना बनेगा, 4 आपके पास, ठीक है। 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी आपके पास, sp3 आपके पास बनेगी, ठीक है। ऐसे ही अगला देखो, अगर मैंने कहा HClO2 अगर आपके पास है, तो आपके पास देखो बॉन्ड पेयर कितना बनेगा, HClO2 के अंदर क्या होता है, एक डबल बॉन्ड अटैच होता है, एक OH की तरह अटैच होता है, ऐसे ही अटैच होता है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन होते हैं, हम कहते हैं एक OH है, बाकी ऑक्सीजन क्या है, एज अ डबल बॉन्ड आपके पास है, ठीक है। अब देखो क्या है आपके पास, क्लोरीन
क्या है, सेंट्रल एटम है। तो देखो क्लोरीन से क्या अटैच है, एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, एक आपके पास OH अटैच है, तो इसका मतलब दो चीज़ें अटैच हैं क्लोरीन से। तो आप क्या कहोगे, बॉन्ड पेयर कितना है, दो आपके पास है। ठीक है, अब देखो लोन पेयर निकालना है आपको, जो क्लोरीन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सात होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बनाता है, डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो, तो माइनस में क्या करोगे, टू करोगे। OH क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो माइनस में क्या करोगे, वन करोगे, अपॉन में क्या होता है, टू। तो देखो सेवन माइनस कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू, कितना हो जाएगा, फोर बाई टू, मतलब आपके पास टू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बॉन्ड पेयर क्या है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस में आपके पास लोन पेयर। बॉन्ड पेयर देखो कितना आया आपके पास, दो, लोन पेयर कितना आया, दो, टोटल कितना बना, चार। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 आपके पास हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, आगे और प्रैक्टिस करते हैं। देखो मैं ये सारी की सारी कैलकुलेशन आपको इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि जो भी आपके एंट्रेंस में क्वेश्चंस को आगे हम अगले पार्ट में करेंगे, उन सब के अंदर इन सब की हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है। हमने इन सारी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया है, जितने भी यूज़ में थे हम सारे के सारे एक बार फटाफट से कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो 13th के अंदर क्या कहता है, अगर मैंने आपको BF3 दे दिया तो बोरोन के अंदर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में, बॉन्ड भी कितने बनाए हैं इलेक्ट्रॉन ने, तीन, तीन माइनस तीन अपॉन टू कितना बनेगा, जीरो। ठीक है, तो देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन अटैच हैं फ्लोरीन, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर तीन, लोन पेयर जीरो, तो टोटल कितना हो गया, तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 आपके पास हो गया। क्लियर है? ठीक है, अगला देखो आपके पास क्या है, 14th कहता है अगर ClO3 नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सात आपके पास। ठीक है, तो माइनस वन चार्ज है, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एडिशन हुआ है, तो सेवन कितना होगा, प्लस वन आपके पास। ठीक है, माइनस में क्या होता है, ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, छः आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, अपोन में क्या होता है, टू, तो देखो सेवन प्लस वन कितना हो गया, एट, माइनस सिक्स बाई टू, इसका मतलब क्या होगा, टू बाई टू, इसका मतलब वन, इसका मतलब एक क्या आ गया आपके पास, लोन पेयर आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो बॉन्ड पेयर क्या है, तीन ऑक्सीजन अटैच हैं क्लोरीन से, इसका मतलब बॉन्ड पेयर क्या है, तीन आपके पास। तो देखो स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस में आपके पास बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितने निकाले, एक, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन, टोटल कितने बने, चार, चार बन गए, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp3 आपके पास आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक किसी को भी। आगे देखो अगला क्या एग्जाम्पल आपके पास, 15th एग्जाम्पल, ये कहता है कि आपके पास H2CO3 आपके पास है, H2CO3 कह लो, या फिर मैं इसको क्या कह सकती हूँ, CO32 नेगेटिव कह लूँ, एक ही बात है आपके पास। ठीक है, अब देखो कार्बन आपके पास है, कार्बन है, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि लोन पेयर निकालो तो आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फोर, देखो माइनस टू चार्ज है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया है। ठीक है, माइनस में ऑक्सीजन तीन है, तीन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स, तो क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू माइनस सिक्स अपॉन में क्या होता है, टू, तो देखो आपके पास क्या है, सिक्स प्लस सिक्स माइनस में सिक्स आपके पास कितना हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब लोन पेयर कितना आ गया, जीरो। बॉन्ड पेयर देखो आपके पास क्या है, एक कार्बन के साथ तीन ऑक्सीजन अटैच हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, तीन है, तो देखो स्टेरिक नंबर क्या है, लोन पेयर प्लस में आपके पास बॉन्ड पेयर, मतलब जीरो प्लस थ्री कितना बन गया, थ्री, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गया। ठीक है, सिंपल है, देखने से टफ लगा होगा लेकिन कैलकुलेट करोगे तो बिल्कुल ईजी आपके पास है। अगला देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 16th कहता है NO2 पॉजिटिव के अंदर बताओ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होगी। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पांच आपके पास, तो देखो लोन पेयर क्या निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब पांच, प्लस वन चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया,
ठीक है, माइनस में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, दो कितने बनाते हैं, चार, तो माइनस में क्या करोगे, फोर करोगे, अपॉन में क्या करोगे, टू, तो देखो कितना हो गया, फाइव माइनस में फाइव बाई टू, कितना बन गया, जीरो, मतलब लोन पेयर कितने आ गए, जीरो आ गए। देखो बॉन्ड पेयर क्या है, नाइट्रोजन के साथ कितने एटम अटैच हैं, दो ऑक्सीजन अटैच हैं, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, दो। तो देखो स्टेरिक नंबर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर, बॉन्ड पेयर दो है, लोन पेयर जीरो है, टोटल कितना हो गया, टू। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई आपके पास, एस पी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ गई। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं आपके पास, 17th क्वेश्चन देखो क्या है, NO3 नेगेटिव आपके पास है। ठीक है, NO3 नेगेटिव, देखो नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम है, लोन पेयर निकालते हैं सबसे पहले, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के लिए कितना है, फाइव, ओवरऑल कितना चार्ज है, माइनस वन, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या करोगे, एडिशन कराओगे। माइनस में देखो ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा, छः, अपोन में कितना होगा, टू, टोटल लोन पेयर जीरो। ठीक है, बॉन्ड पेयर देखो कितने हैं, नाइट्रोजन के साथ तीन ऑक्सीजन अटैच हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन हैं, तो स्टेरिक नंबर निकालोगे कितना हो जाएगा, जीरो प्लस थ्री कितना होगा, तीन, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपके पास, एस पी टू आपके पास है। ठीक है, अगला देखो आपके पास 18th क्या है, NH4 पॉजिटिव आपके पास है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना है, लोन पेयर अगर निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाँच, प्लस वन चार्ज का मतलब माइनस वन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, चार है, तो माइनस क्या करते हो, फोर करोगे, बाय में क्या है, टू, तो कितना आ गया, जीरो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर देखो कितने अटैच हैं, हाइड्रोजन चार, तो देखो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया आपके पास, जीरो प्लस फोर, टोटल फोर बन गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, एस पी थ्री आपके पास हो गई। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर आप निकालोगे, ठीक है, अगर आपने PCl5 के लिए निकालोगे, sp3d बन जाएगा। ठीक है, अगर आपने BCl3 के लिए निकालोगे आपके पास, तो sp3 बनेगा, SO3 के लिए निकालोगे तो आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज बनेगा। इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर जो भी आंसर आए आपका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपका होता है तभी भी बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिएगा।